तो हेलो 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 गाइस, कैसे हो आप लोग। तो कैसे यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ EUMP के आर्ट ऑफ द वॉर गन स्किन का, और कैसे यहाँ पे EUMP के बोया डे 2021 का, यानी गैस EUMP के ईओ गन स्किन का। सो गैस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे इन दोनों गन स्किन को कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि गैस जैसा तुम लोग को पता है EUMP हमारे गेम के अंदर एक बार फिर से रिटर्न में आ चुका है। तो गैस इसलिए मुझे यहाँ पे भर भर के कॉमेंट आ रहा है कि भाई मैं यहाँ पे EUMP के आर्ट ऑफ द वॉर गन स्किन को, जो कि यार बहुत दिन पहले हम सभी को फ्री में मिला था, मैं यहाँ पे EUMP के आर्ट ऑफ द वॉर गन स्किन को कंपेयर करूं EUMP के इस न्यू ईओ गन स्किन के साथ। तो यार मैं भी काफी ज्यादा यहां पे मतलब कंफ्यूज हूं इन दोनों गन स्किन को लेके, कि यार इन दोनों गन स्किन में हमें कितना ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, या इन दोनों गन स्किन में से सबसे ज्यादा बेटर गन स्किन कौन सा रहेगा। एक के अंदर आप लोग को डबल डैमेज देखने के लिए मिलता है, तो गैस वहीं भी आप लोग को एक के अंदर डबल रेट ऑफ फायर देखने के लिए मिलता है। तो गैस फिलहाल तो मेरा जो EUMP है उसको मैंने अभी तक लेवल 4 का अपग्रेड नहीं किया है, लेवल 3 तक ही मेरा EUMP अपग्रेड है। तो गैस इसलिए इसके अंदर तुम लोग को सिंगल डैमेज देखने के लिए मिल रहा होगा, लेकिन गैस टेंशन मत लो, मैं तुम लोग को डबल डैमेज करके ही बताऊंगा कि ईओ EUMP डबल डैमेज कितना करके देता है। तो गैस गेम के आगे आप लोग को पता चल जाएगा कि डबल डैमेज वाला EUMP कितना करके डैमेज देता है। तो गैस चलो अब जल्दी से मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, लेकिन गैस यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा तुम लोग से। गैस यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये रहा शिवांगी गेमिंग नाम का एक चैनल है, इसका लिंक तुम लोग को मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम लोग को अगर अच्छा लगे तो गैस इस चैनल पर जाकर तुम लोग इस चैनल को एक बार चेकआउट कर सकते हो। गैस यहाँ पे मतलब लड़की काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन गैस उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो गैस तुम लोग जाके इसके चैनल को एक बार चेकआउट कर सकते हो, अच्छा लगे तो गैस सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो गैस चलो अब मैं जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा इन दोनों गन स्किन के डैमेज के बारे में। सो गैस जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, और गैस मेरे हाथ में है EUMP का ईओ गन स्किन, जो कि यार इसके अंदर अभी फिलहाल सिंगल ही डैमेज है। तो गैस अब हम लोग यहाँ पे इस गन स्किन से फायर करेंगे बॉडी के ऊपर, और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे एम लगा लिया, और गैस यहाँ पे सिंगल डैमेज इसके अंदर है। तो गैस ये वाला गन स्किन 26 करके डैमेज दे रहा है बॉडी डैमेज, और गैस अगर मैं यहाँ पे हेडशॉट का बात करता हूँ तो गैस यहाँ पे 143 का हेडशॉट दे रहा है। अगर गैस इसके अंदर डबल डैमेज रहता तो गैस ये वाला गन स्किन बॉडी डैमेज 27 करके देता, और गैस हेडशॉट देता 148 का। तो गैस चलो हम लोग यहाँ पे इस गन स्किन का आर्मर पेनिट्रेशन भी चेक कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यार डबल डैमेज वाला गन स्किन वेस्ट के ऊपर भी थोड़ा ज्यादा डैमेज देने लगता है। तो गैस यहाँ पे देख सकते हो ये वाला गन स्किन 15 करके डैमेज दे रहा है लेवल 2 के वेस्ट के ऊपर, और गैस यहाँ पे अगर बात करता हूँ लेवल 3 के वेस्ट का, सो गाइस यहाँ पे लेवल 3 के वेस्ट के ऊपर सिंगल डैमेज वाला गन स्किन 12 करके डैमेज दे रहा है, जबकि यार शायद इसके अंदर यही नॉर्मल डैमेज है EUMP का। और गैस यहाँ पे लेवल 4 का बात करता हूँ तो गैस लेवल 4 के वेस्ट के ऊपर 11 करके डैमेज दे रहा है। तो गैस चलो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गन स्किन के बारे में। तो जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ये रहा EUMP का आर्ट ऑफ द वॉर गन स्किन, इसके अंदर सिंगल डैमेज है, डबल रेट ऑफ फायर है। सो गैस अब मैं यहाँ पे बॉडी फायर करता हूँ, तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो आर्ट ऑफ द वॉर गन स्किन एक विदाउट वेस्ट वाले इनमें ऊपर 26 करके डैमेज दे रहा है बॉडी डैमेज, और गैस यहाँ पे अगर मैं हेडशॉट का बात करता हूँ तो गैस यहाँ पे 143 का हेडशॉट दे रहा है। मतलब कि यार 143 का हेडशॉट काफ़ी ज़्यादा सही है सिंगल डैमेज वाला गन स्किन के हिसाब से। और कैसे यहाँ पे मैं अगर वेस्ट का बात करता हूँ, आर्मर पेनिट्रेशन का बात करता हूँ, तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो लेवल 2 के वेस्ट के ऊपर सेम ही वाला गन स्किन 15 करके डैमेज दे रहा है, और कैसे यहाँ पे हम लोग लेवल 3 का चेक कर लेते हैं तो कैसे यहाँ पे लेवल 3 के वेस्ट के ऊपर सेम 12 करके डैमेज दे रहा है। तो चलो यहाँ पे लेवल 4 का वेस्ट चेक करते हैं, तो कैसे यहाँ पे लेवल 4 के वेस्ट के ऊपर अब यहाँ पे सेम 11 करके डैमेज दे रहा है। तो गैस तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को दोनों गन स्किन का डैमेज दिखाता हूँ, तो गैस यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ईओ गन स्किन अगर लेवल 4 के ऊपर तक रखता है तो गैस ईओ गन स्किन बॉडी डैमेज देता है 27 करके, और गैस वहीं पे आर्ट ऑफ द वॉर गन स्किन सिंगल डैमेज के कारण 26 करके डैमेज देता है। ईओ गन स्किन के अंदर आप लोग को 148 का हेडशॉट देखने के लिए मिल जाएगा, और गैस यहाँ पे आर्ट ऑफ द वॉर के अंदर आप लोग को 143 का हेडशॉट देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ दोनों गन स्किन के आर्मर पेनिट्रेशन का, तो गैस यहाँ पे तुम लोग को दोनों गन स्किन के अंदर सेम आर्मर पेनिट्रेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो गैस देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे दोनों गन स्किन के डैमेज के बारे में, तो गैस यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे ईओ गन स्किन के अंदर डबल डैमेज है, तो गैस इसलिए इसके अंदर आप लोग को थोड़ा सा बेटर डैमेज देखने के लिए मिलेगा आर्ट ऑफ द वॉर गन स्किन के मुकाबले। और गैस आर्ट ऑफ द वॉर गन स्किन के अंदर आप लोग को एक डैमेज कम देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज्यादा डैमेज में डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। और कैसे यहाँ पे आर्मर पैटर्न आप लोग को दोनों गन स्किन के अंदर सेम देखने के लिए मिल जाते हैं, जितना कि आप लोग को एक नॉर्मल EUMP गन के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। सो गैस चलो बात करते हैं यहाँ पे दोनों गन स्किन के रेट ऑफ फायर के बारे में, क्योंकि गैस यहाँ पे आप लोग को दोनों गन स्किन के रेट ऑफ फायर में काफी ज्यादा डिफरेंस दिखाया गया है। लेकिन गैस हम लोग यहाँ पे पहले इन दोनों गन स्किन के रेट ऑफ फायर को चेक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि यार दोनों गन स्किन में से किसके अंदर कितना अच्छा रेट ऑफ फायर है, या दोनों के रेट ऑफ फायर में कितना ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। लेकिन गैस इससे पहले अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक
देख रहे हो तो गाइस इसका मतलब आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है। और गाइस उसके बावजूद भी अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया सो गाइस कोशिश करो एक लाइक हो जाए आप लोगों से। और गाइस चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो सो गाइस सोच सकते हो यार आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सपोर्ट करना मेरे चैनल को भी। तो गाइस चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों गन स्किन के रेट ऑफ फायर के बारे में। जैसा तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो अब मेरे हाथ में यहाँ पे दोनों गन स्किन ईओ गन स्किन और गाइस यहाँ पे आर्ट ऑफ द वॉर गन स्किन। मैं यहाँ पे सेम टाइम पे दोनों गन स्किन को फायर करने वाला हूँ और गाइस यहाँ पे मैंने फायर कर दिया। ओके तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे शायद यहाँ पे आर्ट ऑफ द वॉर जल्दी फायर यहाँ पे कर दिया और गैस यहाँ पे ईओ गन स्किन थोड़ा सा लेट हो गया। तो गैस यहाँ पे ओवरऑल तुम लोग यहाँ पे इन दोनों गन स्किन के डैमेज को और गैस यहाँ पे रेट ऑफ फायर को देख ही लिया। अगर मैं डैमेज की बात करता हूँ तो गैस यहाँ पे डैमेज के मामले में ई एम पी का ईओ गन स्किन थोड़ा सा बेटर हो जाता है और गैस यहाँ पे रेट ऑफ फायर के मामले में ई एम पी का आर्ट ऑफ द वॉर गन स्किन थोड़ा सा बेटर हो जाता है। दोनों ही गन स्किन डैमेज के मामले में रेट ऑफ फायर के मामले में एक दूसरे को टक्कर देते हैं। लेकिन गैस अगर मैं बात करता हूँ कि यार एक्चुअली में इन दोनों गन स्किन में से कौन सा गन स्किन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सो गैस देखो अगर तुम लोग ईओ गन स्किन को लेने जाते हो तो गैस ईओ गन स्किन को लेने के लिए तुम लोग को कम से कम 1000-1200 डायमंड खर्च करने पड़ते हैं। उसके बाद में अगर तुम लोग उसको लेवल 4 का अपग्रेड कर लेते हो तो गैस उसको अपग्रेड करने के लिए तुम लोग को यहाँ पे 1200-1400 डायमंड लगाने पड़ते हैं। उसके बाद तुम लोग यहाँ पे ईओ गन स्किन को लेवल 4 का अपग्रेड कर पाओगे। उसके बाद में जाकर तुम लोग को कहीं उसके अंदर 27 करके डैमेज देखने के लिए मिलेगा। लेकिन गैस वहीं पर मैं अगर बात करता हूँ आर्ट ऑफ द वॉर गन स्किन का तो गैस यहाँ पे देख लो आर्ट ऑफ द वॉर गन स्किन के अंदर बस 26 करके डैमेज देता है और गैस यहाँ पे ईओ गन स्किन के अंदर 27 करके डैमेज जाता है। बस यहाँ पे एक डैमेज का डिफरेंस है। रेट ऑफ फायर यहाँ पे आर्ट ऑफ द वॉर गन स्किन के अंदर काफी ज्यादा अच्छा है। तो गैस मैं यहाँ पे तुम लोगों को यही बोलूंगा कि यार ईओ गन स्किन के अंदर पैसे फंसाने से अच्छा है कि यार यहाँ पे आर्ट ऑफ द वॉर गन स्किन को हम लोग यहाँ पे ले ले। गैस यहाँ पे आर्ट ऑफ द वॉर गन स्किन बहुत सारे बंदों के पास है, बहुत दिन पहले फ्री में दिया गया था। तो गैस अगर आप लोग पास आर्ट ऑफ द वॉर गन स्किन है तो गैस यहाँ पे तुम लोग ऐसे ईओ गन स्किन के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, मैं तुम लोग को यही बोलूंगा। लेकिन गैस अगर तुम लोग पास आर्ट ऑफ द वॉर गन स्किन नहीं है तो गैस तुम लोग अगर चाहो तो इस गन स्किन को ले सकते हो। लेकिन गैस अभी कुछ दिन हुआ गरीना वालों ने एक ईवीएमपी का और गन स्किन बहुत ज्यादा कमाल का गन स्किन बिल्कुल फ्री में दिया था। ये वाइल्डनेस सेंटर वाला गन स्किन ये भी काफी ज्यादा कमाल का गन स्किन है। तो जैसे तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो फिलहाल मैं अभी ईवीएमपी का वाइल्डनेस सेंटर गन स्किन यूज कर रहा हूँ और गैस ये वाला भी गन स्किन यार काफी ज्यादा खतरनाक गन स्किन है। तो गैस देखो मैं तुम लोग को ये बोलूंगा कि अगर तुम लोग पास आर्ट ऑफ द वॉर या गैस यहाँ पे ईवीएमपी का वाइल्डनेस सेंटर गन स्किन नहीं है तो गैस तुम लोग यहाँ पे ईओ गन स्किन को ले सकते हो। ईओ गन स्किन तुम लोग के लिए काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा अगर तुम लोग पास ये दोनों गन स्किन नहीं है। तो गैस आई होप कि यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप लोग के मन का बहुत सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा यहाँ पे ईवीएमपी के ईओ गन स्किन को लेके, आर्ट ऑफ द वॉर गन स्किन को लेके और गैस यहाँ पे ईवीएमपी के वाइल्डनेस सेंटर गन स्किन को लेके। मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि आप लोग को मैं यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे समझा पाऊँ। सो गैस अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो गैस आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और गैस सपोर्ट करना आप लोग प्लीज मेरे चैनल को भी, क्योंकि गैस मुझे भी काफी ज्यादा जरूरत रहता है आप लोग के सपोर्ट का। चलो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग अपने अगले वीडियो के अंदर। अभी के लिए बाय।